रोकना होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनेंगे, सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर। 2015 के फॉर्मूले पर बनेगी महागठबंधन की सरकार, ऋषिकेश। देखिए बिल्कुल विपनेश, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फॉर्मूला लगभग तय है। दो दिन पहले ये बातचीत हो गई थी, अब सिर्फ उसे अमलीजामा पहनाया जाना है। आरजेडी और कांग्रेस का समर्थन पत्र लेकर जाएंगे नीतीश कुमार, ये बात भी बिल्कुल तय है। और अब जो खबरें मिल रही है कि जो सरकार के साथ ओथ होगा उसमें डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव शपथ लेंगे, ये जानकारी है। बाकी मंत्रिमंडल का गठन बाद में होगा, उसके लिए फार्मूला लगभग बना लिया गया है। उसमें कौन होंगे कौन नहीं होंगे, विभागों का बंटवारा कैसे होगा, ये सब चीज़ें बात होनी है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव भी शपथ लेंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव होंगे, इस बात की जानकारी हमारे सूत्र दे रहे हैं। 2015 के फार्मूले के आधार पर 2022 में जो महागठबंधन की सरकार बनेगी कमोबेश उसी फार्मूले के आधार पर इस सरकार का भी गठन होगा, जिसमें तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम होंगे और कांग्रेस के कोटे से मंत्री होंगे। न्यूज 24 की मजबूत टीम जो कि बिहार की सियासत को बहुत बारीकी से समझती है, सबसे पहले न्यूज 24 एक के बाद एक इस बदलते घटनाक्रम पर बड़ी ब्रेकिंग आपको दे रहा है। अभी जो बड़ी खबर आई है, ऋषिकेश ने ब्रेक की है कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम होंगे और 2015 की तर्ज पे ही सरकार चलेगी। सुकेश, इस पर आपका कमेंट। नहीं, होना ही था इसमें कोई आपको अचरज नहीं होना चाहिए कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम होंगे। और कौन मंत्री होगा, क्या उनके लालू यादव के जो दूसरे बेटे हैं जो पिछली सरकार में मंत्री थे, क्या वो भी मंत्री होंगे क्या, या इस बार कोई नया फॉर्मूला बनाया जाएगा? इस बार कम से कम जो परिवारवाद की छाप एक दिखती थी और जो आरोप लगता था, क्या उससे बचने की कोशिश होगी क्या, या ये आरजेडी ने क्या तय किया है, इस पर सबकी निगाहें होंगी। लेकिन तेजस्वी यादव का डिप्टी सीएम बनना ये फॉरगॉन कंक्लूजन था, ये तो होना ही है। ये बात हो रही थी कि क्या नीतीश कुमार दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और तेजस्वी यादव को लीड करने के लिए दिया जाएगा। ये अगर होगा तो आगे की राजनीति में हो सकता है कि क्या नीतीश कुमार आगे की राजनीति में नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने एक ऑपोजिशन के कैंडिडेट के तौर पे दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, ये बात की राजनीति का हिस्सा हो सकता है। अभी नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक मनूवरिंग दिखाई है। देखिए, वो तीसरे नंबर की पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी के लिए लगातार पहले बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री पद पर बने रहना और उसके बाद जब महागठबंधन के हिस्सा वो बन रहे हैं तब भी वो सीएम बने रहेंगे, ये अपने आप में राजनीतिक मनूवरिंग का एक अजीब कर्तव्य है जो नीतीश कुमार दिखा रहे हैं कि उन्होंने तेजस्वी यादव को, आरजेडी को, और इसीलिए शायद उन्होंने लेफ्ट के नेताओं से भी संपर्क साधा होगा, कांग्रेस के नेताओं से संपर्क साधा होगा, कि ऐसे क्रूशियल जंक्चर पे जब बिहार की राजनीति खड़ी है तो ऐसे में नीतीश कुमार को ही लीड करना चाहिए। आगे की राजनीति तेजस्वी के लिए होगी, लेकिन फिलहाल की जरूरत नीतीश कुमार है और बिहार से पूरे देश को एक दिशा दिखाने की कोशिश होगी कि ऐसे समय में जब हर जगह बीजेपी सरकार बनाती दिखती है, जहां वो हार भी जाती है वहां भी लोग कहते हैं कि बीजेपी, और आप कई बार मैसेज पढ़ती होंगी व्हाट्सएप पे कि जहां जीतती है बीजेपी सरकार बनाती है, जहां हारती है वहां तो पक्का ही बनाती है। ये लोग मजाक में कहते हैं लेकिन कई जगह इस बात को हकीकत में बदला है बीजेपी ने, और जिस तरीके से उसने जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली है। ऐसे में अगर बीजेपी को सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लेफ्ट के लोग और कांग्रेस मिलकर मात देने में कामयाब होते हैं तो आगे की राजनीति के लिए बड़ा संदेश पड़ा है। पाला बीजेपी का नीतीश कुमार से पाला पड़ा है सुकेश। हाँ, पुराने वो घुटे हुए मजे हुए खिलाड़ी हैं और उन्होंने वक्त रहते, देखिए मैं कल से कह रहा हूँ, परसों से कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार को, आरजेडी को इस बात की भनक है, इस बात का ज्ञान है, इस बात का अंदेशा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और बाकी प्रदेशों में ओबीसी राजनीति में जिस तरीके से भाजपा ने सेंध लगा ली है वो बीजेपी को बिहार में न करने दिया जाए। ये प्राइमरली दो ओबीसी कंसोलिडेशन वाली पार्टी है जहां बीजेपी अब तक इनरोड नहीं बना पाई है और इसलिए ये दोनों एक साथ रहकर नीतीश कुमार को टक्कर देना चाहते हैं। हकीकत ये है कि दोनों वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं और खासतौर पर नीतीश कुमार वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जब दोनों एक हो जाएंगे तो जैसा 2015 में हुआ था कि जिस समय नरेंद्र मोदी पीक पे थे नीतीश कुमार और आरजेडी ने उनको बिहार में जीतने से रोक दिया था, उनके रथ को, उनके विजयी रथ को रोक दिया था, वो दोहराने की कोशिश है। बाकी जो तमाम चीजें आप देख रही हैं वो राजनीति में पॉस्चरिंग होती है, वो राजनीति में एक पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है, तो पॉलिटिकल मैसेजिंग की कोशिश होगी।